हरे कृष्णा हरे महादेव। 12 ज्योतिर्लिंग वीडियो सीरीज में मैं आप सबका स्वागत करती हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बारे में। और सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं वो आपको सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम जानते हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बारे में। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह तीर्थ हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। इसके अलावा यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। भारत के उत्तर में जो काशी की मान्यता है वही दक्षिण में रामेश्वरम की है। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 425 मील दूरी दक्षिण पूर्व में है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ है। एक सुंदर शंख आकार द्वीप है ये। बहुत पहले यह द्वीप भारत की मुख्य भूमिका के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में सागर की लहरों ने इसे मिलाने वाली कड़ी को काट डाला, जिससे वह चारों ओर पानी से घिरकर एक टापू बन गया। यहाँ भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले पत्थरों के सेतु का निर्माण करवाया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना ने लंका पहुंची और वहां विजय पाई। बाद में राम ने विभीषण के अनुरोध पर धनुषकोटी नामक स्थान पर यह सेतु तोड़ दिया गया था। आज भी इस 30 मील लंबे आदि सेतु के अवशेष सागर में दिखाई देते हैं। यहाँ के मंदिर के तीसरे प्रकार का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा। तो आइए हम जानते हैं इनकी कथा के बारे में। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कथा क्या है, इनके पीछे की कहानी क्या है, ज्योतिर्लिंग का निर्माण और स्थापना कैसे हुआ था, तो चलिए अब हम जानते हैं कथा। तो कथा इस प्रकार है, जब श्री राम जी रावण का वध करके सीता जी को वापस ला रहे थे तो उन्होंने समुद्र पार करके सबसे पहले गंधमादन पर्वत पर विश्राम किया था। जब बड़े बड़े ऋषि महर्षि को पता चला कि श्री राम जी को सीता जी के साथ यहाँ पधारे हैं तो वे सभी उनका आशीर्वाद लेने वहाँ पहुँचे। तब ऋषियों ने श्री राम जी को बताया कि आपको ब्रह्महत्या का श्राप लगा है क्योंकि आपने पुलस्त कुल का विनाश किया है। जब श्री राम जी ने कहा कि आप लोग ही इस समस्या का समाधान बताइए जिससे कि मैं इस पाप से मुक्त हो सकूं, तब सभी ऋषि मुनियों ने कहा कि प्रभु आप यहाँ एक शिवलिंग का निर्माण कीजिए और पूजा अर्चना कीजिए, भगवान शिव जी को प्रसन्न कीजिए, इस प्रकार आप पाप मुक्त हो सकते हैं। ऋषियों की बात सुनकर श्री राम जी ने हनुमान जी को आदेश दिया कि कैलाश पर्वत जाओ और वहां से एक लिंग लेकर आओ। आदेशानुसार हनुमान जी तुरंत कैलाश पर्वत पहुंचे, लेकिन उन्हें लिंग नहीं मिला। उन्होंने वहीं शिव भगवान की तपस्या करना शुरू कर दिया। हनुमान जी की इस तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और उन्हें लिंग प्रदान किया। इस प्रकार लिंग प्राप्त करके वे तुरंत गंधमादन पर्वत पर पहुंचे, लेकिन हनुमान जी को पहुंचने में बहुत देर हो चुकी थी। वहां ऋषियों के द्वारा बताए गए मुहूर्त के अनुसार शिवलिंग की स्थापना करनी थी। तब सबने निर्णय किया कि खुद से शिवलिंग का निर्माण करके स्थापना की जाए और विधि विधान से पूजन किया जाए। तब ऐसा हुआ। पूजन के उपरांत जब हनुमान जी आए और देखा कि स्थापना हो चुकी है तो उन्हें बहुत दुख हुआ और वे श्री राम जी के चरणों में गिर गए। तब श्री राम जी ने कहा, शिवलिंग की स्थापना की बात बताई, मुहूर्त बीत न जाए इसलिए लिंग की स्थापना करवानी पड़ी। और ये लिंग की स्थापना खुद सीता जी ने किया था। वहाँ के जो समुद्र के किनारे जो रेत थी ना, उस रेत से लिंग शिवलिंग का निर्माण किया था। लेकिन हनुमान जी तब भी संतुष्ट नहीं हुए। जब श्री राम जी ने कहा कि इस स्थापित लिंग को उखाड़ देते हैं तो तुम्हारे द्वारा लाए गए हुए लिंग की पुनः स्थापना करते हैं, तब हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए। जैसे ही लिंग को उखाड़ने लगे तो लिंग नहीं उखड़ा, वह कठोर हो चुका था और ब्रज बन गया था। इस लिंग को उखाड़ने के लिए हनुमान जी ने सब प्रयत्न किए किंतु वह टस से मस न हुआ। अंत में हनुमान जी ने 3 किलोमीटर की दूरी पर जा गिरे और बेहोश हो गए। माता सीता स्नेह के कारण रोने लगी और तब हनुमान जी को होश आया और उन्होंने श्री राम जी की तरफ देखा तो परम ब्रह्म के दर्शन हुए। तब उन्होंने रोते हुए श्री राम जी से क्षमा मांगी। तब श्री राम जी ने उन्हें समझाया कि जिसके द्वारा यह शिवलिंग स्थापित है उसे इस दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं उखाड़ सकती, तुमसे भूल हो गई थी, आगे ऐसी गलती मत करना। अपने भक्त पर ऐसे दया भाव दिखाते हुए उन्होंने हनुमान जी के द्वारा लाए हुए शिवलिंग को भी वहीं स्थापित कर दिया। तब हनुमान जी अति प्रसन्न हुए। इस प्रकार राम जी के द्वारा स्थापित शिवलिंग का नाम रामेश्वरम रखा गया और हनुमान जी के द्वारा लाए गए शिवलिंग का नाम हनुमदीश्वर रखा गया। यहाँ आसपास कई दर्शनीय स्थल है, साक्षी विनायक मंदिर, सीता कुंड, एकांतराम मंदिर, अमन देवी मंदिर, कोंडरा रामस्वामी, बिल्लूरनी कुंड आदि। यह जब तीर्थयात्री यहाँ दर्शन के लिए आते हैं तो इन अन्य जगहों पर भी भ्रमण के लिए जाते हैं। वास्तव में यह स्थल ऐसा है जहाँ शिवलिंग के दर्शन कर लेने मात्र से ही भक्तों के समस्त दुख दूर हो जाते हैं और वे पाप से मुक्त हो जाते हैं। तो ये थी रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के पीछे की कहानी। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा हरे महादेव।